झामुमो के नेता सह राजमहर लोकसभा सांसद विजय हांसदा के प्रयास से बेलदारचक गांव में 63 केवी का नया बिजली ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे आसपास के लोगों में खुशी का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसके बाद झामुमो के युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद समीम ने के न्यूज इंडिया के माध्यम से सांसद विजय हांसदा को धन्यवाद दिया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ठाकुर ने। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हम उपस्थित हैं साहेबगंज के राजमहल में, और राजमहल प्रखंड में बिजली की बदहाल व्यवस्था है। इस कभी कभी यहाँ पर बिजली रात को भी लापता रहता है, दिन को भी लापता रहता है, लेकिन यहाँ के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो इन दिनों क्षेत्र के लोगों के लिए मसीहा बना हुआ है। कभी कदाल ये राजनीति के दुनिया में दिखते हैं तो कभी लोगों के लिए धरातल पर दिखते हैं। आज ठीक वैसा ही बिजली की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर जो राजमहल में ट्रांसफार्मर लगाया गया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता, उससे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ट्रांसफार्मर लगने के बाद लोगों में क्या उत्साह है। राजमहल प्रखंड के अंतर्गत लालमाटी पंचायत के बेलदारचक मोमिन टोला में 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा था। सप्ताह 10 दिन से वो जल गया था, पड़ा हुआ था, मेरे संज्ञान में आया। चूँकि मैं यहाँ के लोकल नेता हूँ JMM का, और लोग हमको कहें, हमने माननीय सांसद महोदय श्री विजय हंसदा से संपर्क किया और उसने निर्देश दिए बिजली विभाग के स्कूटी इंजीनियर राजकुमार मंडल को, और हमने लग के और ट्रांसफार्मर 25 केवी की जगह 63 केवी के डिमांड करके और लगाया गया, जिसका उद्घाटन हम लोगों JMM के केडर द्वारा किया गया। और यहाँ के मोमिन टोला बेलदारचक के जो लोग गर्मी से परेशान थे उसको आज निजात मिला है, राहत मिला है, लोग उत्साहित है। और माननीय सांसद महोदय का हम लोगों को निर्देश दिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष शाहजहान सारी भी कि छोटा मोटा कोई भी समस्या हो गांव समाज में उसको आप लोग देखें और उसको निराकरण करें। और जहां तक MP साहब कहें कि छोटा मोटा बड़ा काम जो भी काम होगा मेरे संज्ञान में दीजिए, हम उसको काम को लगन से करवाएंगे, तुरंत करवाएंगे। माननीय सांसद महोदय के लोग आभार व्यक्त करते हैं। विजय हंसदा जिंदाबाद, विजय हंसदा जिंदाबाद, विजय हंसदा जिंदाबाद। जिस प्रकार यहाँ पर देखें हम लोग बातचीत किए और जाने कि राजमहल विधानसभा में किस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा मसीहा बना हुआ है। कैमरामैन विष्णु कुमार के साथ गोविंद कुमार, साहेबगंज।